तो आज मैं आप लोगों को 5 सीरीज रेकमेंड करने वाला हूँ और वो आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। 5 के 5 सीरीज एक के ऊपर एक है। किसी में आपको साइंस देखने को मिलेगा तो किसी में मैजिक, किसी में आपको एक्शन देखने को मिलेगा तो किसी में कॉमेडी। इस लिस्ट की 5 सीरीज हर एक सीरीज एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट और इंटरेस्टिंग है। और हाँ, ये लिस्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ज्यादा मूवी एंड सीरीज को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि इस लिस्ट में काफी ऐसी सीरीज है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, कम सीरीज एंड मूवी देखते हैं और हाल ही में मूवी और सीरीज देखने का चस्का चढ़ा है, उन लोगों के लिए ये लिस्ट है। और हाँ, आप ये लिस्ट देखने के बाद एक ही चीज कहोगे, प्रोग्राम दिखा दिया, मजे ही मजे। हर एक सीरीज देखते वक्त आप कहोगे मजे ही मजे, इतना अच्छा इस लिस्ट की सीरीज है। तो बिना देरी के लिस्ट के शुरू करते हैं। और हाँ, रैंडमाइज ही है तो तुम देख लेना तुम्हारी तरफ से कौन सी सीरीज नंबर 1 पर है। हमारी लिस्ट की पहली सीरीज है जिसमें हमें टाइम ट्रैवल को दिखाया गया है। सीरीज में आपको टाइम ट्रैवल, मैजिक, ड्रामा, कॉमेडी और थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिलने वाला है। तो देखो, मुझे टाइम ट्रैवल वाला कॉन्सेप्ट काफी पसंद आता है अगर टाइम ट्रैवल को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो। और इस सीरीज ने उस टाइम ट्रैवल को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है मेरे लिए, जिसके कारण ये सीरीज मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है और मैं तुम लोगों को रेकमेंड भी कर रहा हूँ। तो इस सीरीज में एक दिन अचानक से नॉर्मल लड़कियों को डिलीवरी होने लगता है बिना प्रेग्नेंट हुए, और डिलीवरी के बाद वो कोई और नॉर्मल बच्चे नहीं बल्कि मैजिक और पावर वाले बच्चे हैं। एक दिन एक एकेडमी का मास्टर आके उनसे उनका बच्चा खरीद लेता है और उन्हें एक एकेडमी में लेकर जाता है और ट्रेनिंग दिलाता है बचपन से ही मैजिकल पावर का। उनमें से एक बच्चे के पास टाइम ट्रैवलिंग का पावर है, पर एक दिन वो बच्चा टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में चला जाता है और देखता है कि फ्यूचर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। अब वो पूरी दुनिया क्यों खत्म हो चुकी है? हाँ, वो बच्चा टाइम ट्रैवल करके पीछे भी नहीं आ सकता है। अब वो क्यों नहीं पीछे आ सकता है? और दुनिया खत्म होगी तो होगी क्यों, और क्या वो बच्चे लोग इस दुनिया को बचा पाते हैं या नहीं, ये आपको सीरीज में देखने को मिलेगा। सीरीज का नाम है द अम्ब्रेला एकेडमी। इसका अभी तक 3 सीजन आ चुका है और एक फाइनल सीजन भी इसी साल आने वाला है। हमारी लिस्ट की अगली सीरीज है और ये एक कोरियन सीरीज है जिसमें डिस्टोपियन फ्यूचर को काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। इस सीरीज में दिखाया गया है कि एक दिन आसमान से एक मीटेराइट गिरता है और पृथ्वी को पूरा का पूरा तबाह कर देता है, जिसके कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन, पानी सब खत्म हो जाता है। लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं बल्कि जीने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं है। इस तरह का डिस्टोपियन फ्यूचर हमें दिखाया गया है इस सीरीज में। इस सीरीज में दो ग्रुप को दिखाया गया है, एक अमीर और एक गरीब। अमीर के पास तुम्हें पता ही होगा कितना सारा ऑक्सीजन, और गरीब के पास बहुत ही ज़्यादा कम। तो वो लोग किस तरीके से उस डिस्टोपियन फ्यूचर में सर्वाइव करते हैं और वहाँ का क्लाइमेट ठीक होता है या नहीं, इस सीरीज में काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। सीरीज में एक्शन भी भर भर के है। सीरीज का नाम है द ब्लैक नाइट और हाँ, ये आपको हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी। हमारी लिस्ट की अगली सीरीज है, ये एक साईफाई एक्शन ड्रामा सीरीज है जिसमें एलियंस को दिखाया गया है। तो एक दिन होता क्या है कि एक फैमिली स्पेस में ट्रैवल करती है, मगर उसका जो स्पेस स्टेशन है वहाँ पर एलियंस ने हमला कर दिया है। पर उनमें से एक एलियन ऐसा है जो अपने मेन कैरेक्टर को कुछ भी नहीं करता है और अपने मेन कैरेक्टर का परिवार और साथ में वो एलियन स्पेस में खो जाता है पता नहीं कहाँ। इस कहानी को एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बच्चे वाली स्टोरी है। स्टोरी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और यूनिक है जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगेगी। साईफाई मूवी में एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया जाता है, इसका VFX और CGI, मगर इस सीरीज का VFX और CGI दोनों ही लाजवाब है। तुम एक बार जरूर से चेकआउट करना। सीरीज का नाम है लॉस्ट इन स्पेस। अगर आपको हैरी पॉटर पसंद आई थी और उसी तरह की आप सीरीज देखना चाहते हैं उसी कॉन्सेप्ट पर बेस, स्कूल वाले कॉन्सेप्ट पर, तो ये वाली आपके लिए है। इस सीरीज में दिखाया गया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसके पास मैजिकल पावर है और वो नॉर्मल स्कूल में नहीं रह सकते, जिसके कारण उन सभी बच्चे को एक स्पेशल स्कूल में भेज दिया जाता है। और स्पेशल स्कूल है तो स्पेशल रहस्य भी होंगे, राज भी होंगे। इस स्कूल में काफ़ी रहस्य और राज भरा पड़ा है। इस सीरीज के मेन लीड में आपको जेना और टेगा देखने को मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेंसडे की। ये एक काफ़ी अच्छी इंटरटेनिंग एंड मज़ेदार सीरीज है। इसका सेकंड पार्ट भी इसी साल आने वाला है, तो अगर आपने नहीं देखे है तो एक बार जोर से देख लीजिएगा, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट काफ़ी मज़ेदार और ख़तरनाक होने वाला है। हमारी लिस्ट की आखिरी सीरीज और ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट सीरीज में से एक है। इसका अभी तक 4 सीजन आ चुका है और इसका फाइनल सीजन भी इसी साल, शायद इस साल के एंड तक आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज के बारे में। सीरीज काफ़ी ज़्यादा
खतरनाक और मज़ेदार है। इसमें आपको डर, साइंस, मैजिक, इसके बारे में और मैं कुछ बताऊँ तो स्पॉयलर हो जाएगा। आई काइंडली रिक्वेस्ट कि ये सीरीज अगर आपने नहीं देखे तो एक बार ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। इसका सिर्फ अगर आप एक ही एपिसोड देखोगे तो आप पागल हो जाओगे इसकी आगे वाली एपिसोड देखने के लिए। और इसका फाइनल सीजन भी आने वाला है। काफ़ी ज़्यादा डेंजर और ख़तरनाक ये सीरीज है, तो ज़रूर से देखिएगा। तो बस आज की लिस्ट ख़त्म। और इनमें से कौन सी सीरीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी ही सीरीज और मूवी के रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।